ट्रेडिंग में फर्स्ट स्टेप्स है उन स्टेप्स को सीखना जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद करता है। टॉप ट्रेडर्स ने अपने 1000 आवर से भी ज्यादा एक ट्रेडिंग प्लान को विकसित करने और इम्प्लीमेंट करने में बिताया है। स्टार्टिंग में इनके लिए भी यह रूल्स हैं जो उन्हें लगातार प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। कई सालों के बाद यह एक आदत में कन्वर्ट हो जाता है। अपने इसी हैबिट की वजह से तो ट्रेडर्स अपने सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स के हैबिट्स को अपनाकर आप भी अपने सक्सेस की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस बुक में आप टॉप सक्सेसफुल ट्रेडर्स के 39 हैबिट्स को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुक समरी को, जिसका नाम है ट्रेडिंग हैबिट्स 39 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स। लेखक स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स। इनका बुक लिखने का मकसद है न्यू ट्रेडर्स को ट्रेडिंग प्लान का इम्पोर्टेंस बताना। डिस्क्लेमर, यह समरी सिर्फ इंफॉर्मेशनल है, ना कि ट्रेडिंग एडवाइस। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि ट्रेडिंग रिलेटेड समरीज आगे भी आपको इसी तरह मिलते रहें और आप अपने सक्सेस को एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 39 रूल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 1-15 फाउंडेशन रूल्स हैं, 16-27 माइंड ओवर इमोशन रूल्स हैं एंड 28-39 प्रॉफिटेबिलिटी कीज हैं। रूल 1, एक विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम छोटे लॉस या फिर बड़े प्रॉफिट में से कोई एक रिजल्ट देने के लिए डिजाइन हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के दो रास्ते हैं। फर्स्ट, विनिंग ट्रेड्स का एक्यूरेसी। सेकंड, साइज ऑफ विनिंग ट्रेड। फॉर एग्जांपल, जिन भी ट्रेडिंग सिस्टम में विन और लॉस साइज इक्वल होता है उनमें ज़्यादा विन रेट होने चाहिए कंपेयर टू लॉस। अगर आप 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो लेते हैं, आपका प्रॉफिट बनाने का विनिंग रेट 50% से ज़्यादा होने चाहिए। 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पर 33% से ज़्यादा विन रेट हो। 1:3 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पर 25% से ज़्यादा विन रेट हो एंड 1:5 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पर 17% से ज़्यादा विन रेट हो। जितना बड़ा अमाउंट आप प्रॉफिट बनाते हैं, उतना कम टाइम आपको प्रॉफिट बुक करने की आवश्यकता होती है। रूल नंबर 2, आपका ट्रेडिंग सिस्टम क्वांटिफिएबल फैक्ट पर बना होना चाहिए, ना कि अपने ओपिनियन पर। न्यू ट्रेडर्स अपने फीलिंग्स के आधार पर ट्रेड लेते हैं, बट प्रोफेशनल ट्रेडर फैक्ट पर ट्रेड लेते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्राइस पैटर्न, इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन के आधार पर ट्रेड लेता है। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए जो आपके फेवर में हो, जो आपके टाइम फ्रेम में बेस्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ प्रॉफिट बनाने के चांसेस को बढ़ा देता हो। बिना सिग्नल के आप ट्रेड में रैंडमली ही एंट्री लेते हैं। आपका बिलीव और प्रेडिक्शन ट्रेडिंग सिस्टम के सिग्नल नहीं होते हैं। रूल नंबर 3, ट्रेडिंग सिस्टम लो रिस्क हाई रिवार्ड और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो। आपका रिवार्ड 2-3 गुना ज़्यादा होना चाहिए आपका रिस्क कैपिटल से। इस सिस्टम में आप बहुत कम टाइम प्रॉफिट बुक करते हैं, बट प्रॉफिट अमाउंट बहुत ज़्यादा होने के कारण आप लंबे समय तक ट्रेडिंग में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक रीजन के साथ ट्रेड से एग्जिट करें। रूल नंबर 4, डिफरेंट टाइम फ्रेम में ट्रेंड भी डिफरेंट होता है। स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा तरीका प्रॉफिट बनाने का अपने टाइम फ्रेम में ट्रेंड को कैप्चर करना है। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में आउट ट्रेंड को कैप्चर करने का कोशिश करते हैं, जबकि डे ट्रेडर मार्केट खुलने और बंद होने के बीच में ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग सिस्टम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड के वोलेटिलिटी और वेलोसिटी के आधार पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, डे ट्रेडर्स के लिए वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग सिस्टम रूल्स का सेट होता है जिससे ट्रेंड कैप्चर करने का प्रोबेबिलिटी हाई रहता है। रूल नंबर 5, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले वीकली प्राइस चार्ट को देखें, फिर डेली और आवर को। लॉन्ग टर्म ट्रेंड डायरेक्शन में ट्रेड करने पर आपका प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है। रूल नंबर 6,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को जितना ज़्यादा टेस्ट किया जाता है उतना ही ज़्यादा चांसेस रहता है इसके ब्रेक होने का। ओल्ड रेजिस्टेंस न्यू सपोर्ट बन जाता है और ओल्ड सपोर्ट न्यू रेजिस्टेंस। रूल नंबर 7, मूविंग एवरेज ट्रेंड को क्वांटिफाई करता है और एंट्री ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और एग्जिट के लिए सिग्नल क्रिएट करता है। रूल नंबर 8, बुल मार्केट के पास कोई भी लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस नहीं होता और ना ही बियर मार्केट के पास लॉन्ग टर्म सपोर्ट। रूल नंबर 9, मार्केट गैप्स जितने बड़े होते हैं ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में रहने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 10, मार्केट में लास्ट आवर ट्रेंड के स्ट्रेंथ को बताता है। स्मार्ट मनी अपने एक्टिविटी लास्ट आवर में ही करते हैं और अपने पोजीशन को अपने फेवर में बनाए रखते हैं अगर मार्केट कंसेक्यूटिव स्ट्रॉन्ग क्लोज हो और अप ट्रेंड कंटिन्यू रहे। रूल नंबर 11, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बुल्स अप ट्रेंड बनाते हैं और इसके नीचे डाउन ट्रेंड। डिस्ट्रीब्यूशन बियर मार्केट क्रैशेस और बैंकरप्टसीज होती है। रूल नंबर 12, ट्रेडिंग में स्ट्रॉन्ग एज डेवलप करने का बेस्ट तरीका है स्टडी करना, टेस्ट करना, ट्रेड करना और मास्टर करना स्पेसिफिक चीज में। स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम चार्ट पैटर्न सेटअप और स्पेसिफिक मार्केट में एक्सपर्ट को बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। रूल नंबर 13, यह समझने वाली बात है कि ट्रेंड कभी भी एक स्ट्राइट लाइन में अप या डाउन नहीं होता है। मार्केट जिगजैग पाथ पर बैक एंड फोर्थ मूव करता है जिससे न्यू हाई या न्यू लो बनता है। इस तरह रिवर्सल धीरे धीरे बनता है। मार्केट के फर्स्ट शार्प डीप में हमेशा बायर्स मिलते हैं और फर्स्ट शार्प राइज में हमेशा सेलर्स मिलते हैं। रूल नंबर 14, डिफिकल्ट चीज़ों को लगातार करना सक्सेसफुल ट्रेडिंग है जो आपका सेकेंड नेचर बन जाता है। लॉसिंग ट्रेड लेना बहुत इजी है बट ग्रेट रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ एंट्री लेना डिफिकल्ट होता है। इसका मेन रीजन मार्केट में डर होता है। रूल नंबर 15, बेस्ट ट्रेड जिसमें आपके एंट्री सिग्नल पैरामीटर में फिट हो और स्टॉप लॉस ऐसे प्राइस लेवल पर हो जो आसानी से हिट ना हो जब तक कि आपका टारगेट हिट नहीं होता है। बेस्ट ट्रेड जिसमें आप रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल को एक्सेप्ट करते हैं। बेस्ट ट्रेड जिसमें मार्केट तुरंत आपके फेवर में मूव करे क्योंकि आपने राइट मोमेंट पर एंट्री लिया है। रूल नंबर 16, होप अपने पर्सनल गोल सेटिंग के लिए ग्रेट टूल है बट ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए टेरिबल गाइड है। होप स्टॉक मार्केट में एक डेंजरस इमोशन है। स्मॉल अमाउंट को बिग अमाउंट में बनाने का होप में लोग पोजिशन साइज को इंक्रीज कर देते हैं और इनिशियल स्टॉप लॉस को इग्नोर करके बिग लॉसेस को भी अलाउ कर देते हैं। रूल नंबर 17, अगर बहुत से लोग सोचने लगे कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या फिर अभी रिवर्स लेने वाला है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आप अपने बेस्ट सिग्नल के साथ ही ट्रेड लें क्योंकि एक ट्रेंड में विनिंग ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट को लॉक करने के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करते हैं जबकि अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स रेगुलरली होते रहता है ग्रोथ स्टॉक्स में। रूल नंबर 18, अपने वैल्यूएबल एसेट टाइम और मेंटल कैपिटल के लॉस को लिमिट करने के लिए इनिशियल स्टॉप लॉस का यूज करें। अगर आप कुछ अमाउंट खोते हैं तो आप ट्रेडिंग में वापस आ सकते हैं लेकिन अगर आप मेंटली कॉन्फिडेंट ना हो तो आपके लिए ट्रेडिंग में वापस आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अपने छोटे लॉस को बड़े लॉस में कन्वर्ट करना फाइनेंशियली और इमोशनली एक्सपेंसिव होता है। रूल नंबर 19, आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन साइज ट्रेड करना है जो आपको मेंटली और इमोशनली न्यूट्रल रखे। मेंटली और इमोशनली अनबैलेंस होने से आप ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 20,
अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर फोकस करें और एंट्री एग्जिट और पोजीशन साइज के लिए प्रोसेस को फॉलो करें, ना कि पैसे जो आप बनाएंगे या फिर लॉस करेंगे। ट्रेडिंग डिसीजन प्राइस एक्शन पर आधारित होने चाहिए, ना कि पैसे की जरूरत पर। स्टॉप लॉस प्राइस लेवल पर आधारित हो जहाँ पर आपका ट्रेडिंग सिस्टम गलत साबित होता है, ना कि ऐसे जगह जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को खोने के लिए तैयार हैं और ना ही किसी रैंडम प्लेस पर। प्रॉफिट टारगेट सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्राइस के टेक्निकल लेवल पर सेट होने चाहिए, ना कि आपके अपने प्रॉफिट टारगेट पर। रूल नंबर 21, जब तक एक सिग्नल नहीं मिले तब तक कुछ ना करने का एबिलिटी एक पावरफुल और प्रॉफिटेबल हैबिट होता है। सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड इंपल्स कंट्रोल आपके टाइम, पैसा और मेंटल पीस को सेव करता है। कभी कभी ट्रेडर्स बिना किसी एंट्री सिग्नल के बोर होने के कारण ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, जो मनी लॉस का कारण बन जाता है। एक ट्रेड में एंट्री लेने का मोटिवेशन सिर्फ अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो और सक्सेस के प्रोबेबिलिटी के साथ सिग्नल होना चाहिए। आपको एक राइट मोमेंट का वेट करना है। रूल नंबर 22, मार्केट के करेंट ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करें, ना कि अपने मार्केट प्रेडिक्शन के आधार पर। प्रेडिक्टिव टेक्निकल एनालिसिस और रिएक्टिव टेक्निकल एनालिसिस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रेडिक्टिंग टेक्निकल एनालिसिस में आप प्राइस फ्यूचर में कहां जाएगा इसका प्रेडिक्शन करते हैं और इसी बिलीव पर ट्रेड भी लेते हैं, जबकि रिएक्टिव टेक्निकल एनालिसिस में आप ट्रेंड के बिगिनिंग के सिग्नल मिलने के बाद ही आप ट्रेड लेते हैं। रूल नंबर 23, आपको ट्रेडिंग के दौरान कैपिटल का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन को याद रखना है, जो आपको मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करे, और ट्रेडिंग सिस्टम को पोजीशन साइज और रिस्क एक्सपोजर के साथ इस तरीके से डिजाइन करे कि आपका ब्रेकिंग पॉइंट कभी नहीं पहुंचे। एक ट्रेडर को पहले से डिसाइड करना होता है कितना परसेंट कैपिटल लॉस होने से वह ट्रेडिंग से क्विट करेगा। ट्रेडर्स को अपने रिटर्न्स के लिए कुछ पैरामीटर सेट करने होते हैं ट्रेडिंग से पहले। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिंग से 20% एनुअल रिटर्न पाने के लिए उसे मैक्सिमम ड्रॉडाउन 5% रखना है। जितना ज़्यादा परसेंट में आप रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, उतना ही रिस्क अमाउंट भी बढ़ते जाता है। आपका ट्रेडिंग सिस्टम का विनिंग परसेंटेज इतना हाई होना चाहिए कि अगर आप एक रो में एम लगातार लॉसेस करते हो, फिर भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट का 5% से ज़्यादा लॉस नहीं हो। रूल नंबर 24, मार्केट के ट्रेंड को कैप्चर करने का कोशिश करें, इसके एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्शन में ट्रेड करें। यह आपको लेस डिसिप्लिन मार्केट पार्टिसिपेंट के रिस्पेक्ट में एज प्रोवाइड करेगा। इमोशंस और ईगोस वर्स्ट ट्रेडिंग सिग्नल हैं। रूल नंबर 25, एक ट्रेडर तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वह एक ट्रेडर के रूप में खुद पर और एक विनिंग स्ट्रेटजी के रूप में ट्रेडिंग सेटअप पर विश्वास करता हो और पूरे ट्रेडिंग के दौरान डिसिप्लिन में रहे। आप अपने ऊपर और ट्रेडिंग सेटअप पर तब विश्वास करेंगे जब आपने खुद होमवर्क किया हो। होमवर्क के दौरान ट्रेडिंग सेटअप के साथ रिस्क, एज और सेल्फ कंट्रोल जैसे चीज़ों को आपको हैंडल करना है। रूल नंबर 26, प्राइसेस इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। ग्रेट वैल्यू इन्वेस्टर अपने बेस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मार्केट क्राइसिस के दौरान ग्रेट फंडामेंटल वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। इन स्टॉक की कीमत में गिरावट फंडामेंटल वैल्यूज की वजह से नहीं, बल्कि क्राइसिस के लॉस के डर से गिरता है। क्राइसिस के दौरान जब तक सिग्नल नहीं मिलता तब तक आपको बाइंग या सेलिंग नहीं करना है। रूल नंबर 27, मार्केट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूज़ दोनों होते हैं, बट न्यूज़ एक सिग्नल नहीं है। न्यूज़ को अगर ट्रेडिंग सेटअप के साथ कंबाइन करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ट्रेंड में बने रहने के लिए, क्योंकि पार्टिसिपेट मार्केट के ट्रेंड के साथ बने हुए हैं। रूल नंबर 28, मैनेज लॉसेस एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। आपके सभी ट्रेड सिर्फ चार रिजल्ट दें, स्मॉल विन, स्मॉल लॉस, बिग विन और ब्रेक इवन। बिग लॉस के रिजल्ट को अवॉइड करना है। बिग लॉस को रोकने के लिए स्टॉप लॉस का यूज करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। रूल नंबर 29,
अगर आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेड में बने रहना है तो आपका मनी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। आपका मनी मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आप एक रो में लगातार कितने लॉसेस को सह सकते हैं ताकि आप अंतिम ट्रेड तक ट्रेडिंग में बने रहें। एक ट्रेडर सक्सेस हो सकता है अगर ट्रेडिंग सेटअप में इन दोनों में से कोई एक भी हो तो। फर्स्ट, लो विनिंग परसेंटेज के साथ लो लॉस और बिग विन। सेकंड, हाई विनिंग परसेंटेज के साथ स्मॉल लॉस और स्मॉल विन। रूल नंबर 30, रिस्क मैनेजमेंट में डिसिप्लिन और मार्केट बिहेवियर में फ्लेक्सिबल रहें। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको ओपन माइंड होने की जरूरत है और मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना है। रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है जो आप प्लान करते हैं करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको बिना किसी हेजिटेशन के ट्रेड से एग्जिट होना है। रूल नंबर 31, रिस्क रिवार्ड पैरामीटर और एंट्री के क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग पोजीशन साइज डिसाइड करें। आप अपने बेस्ट सेटअप पर मैक्सिमम पोजीशन साइज का रिस्क ले सकते हैं और बहुत कम प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप में कम पोजीशन साइज लें। रूल नंबर 32, पर ट्रेड कभी भी अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज़्यादा लॉस नहीं करें। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट $100,000 है जिसका 1% $1,000 है, अगर आप एप्पल के पर शेयर ट्रेड पर $2 का रिस्क लेते हैं तो आपको सिर्फ 500 शेयर ही लेने हैं। 500 शेयर पर आप मैक्सिमम $1,000 ही लॉस करेंगे। रूल नंबर 33, सबसे पहले स्टॉप लॉस के लेवल को डिसाइड करें जो आपको बताती है कि अगर आप रॉन्ग हो तो आप कितना लॉस कर सकते हैं। इसके बाद ही प्राइस लेवल को देखते हुए पोजीशन साइज को डिसाइड करें। रूल नंबर 34, अपने वर्स्ट डे पर कभी भी ट्रेडिंग कैपिटल का 3% से ज़्यादा लॉस नहीं करें। अगर आप पर ट्रेड 1% रिस्क का ट्रेड लेते हैं अपने कैपिटल का तो कभी भी 3 से ज़्यादा एक साथ ट्रेड नहीं लें। अगर आप रॉन्ग हैं तो आप बस 3% लॉस करेंगे। अभी भी आपके पास मार्केट ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। रूल नंबर 35, जब आपका ट्रेडिंग खराब चल रहा हो तो आप अपने पोजीशन साइज को कम करें और जब अच्छा चल रहा हो तो आप अपने पोजीशन साइज को मैक्सिमम कर सकते हैं। मार्केट इन्वायरमेंट चेंज होता है फ्रॉम वोलेटाइल से नॉन वोलेटाइल में, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में और इसी तरह ट्रेंड से रेंज बाउंड में। मार्केट कंडीशन के हिसाब से रिस्क एक्सपोजर और पोजीशन साइज को एडजस्ट करें। रूल नंबर 36, कभी भी अपने लूजिंग ट्रेड को एवरेज डाउन नहीं करें जो ऑलरेडी रॉन्ग प्रूव हो चुका है। एक लॉसिंग ट्रेड पर कैपिटल ऐड करना मींस ट्रेंड के अगेंस्ट फाइट करना है। अगर आप रॉन्ग हैं तो एक्सेप्ट करें। रूल नंबर 37, अगर आपको अपने ट्रेड में साइजेबल प्रॉफिट चल रहा हो तो कभी भी इस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होने नहीं दें। आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर सकते हैं या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हुए अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। रूल नंबर 38, वोलेटिलिटी स्पाइक्स के कारण बढ़ते हुए रिस्क को देखते हुए पोजीशन साइज को एडजस्ट करें और इनस्टेबिलिटी के नेचर को समझें। लास्ट, 10 दिनों के इंडेक्स या स्टॉक के ट्रेडिंग रेंज को देखते हुए पोजीशन साइज को डिसाइड करें। बिना किसी बड़े लॉस के साथ आप ट्रेडिंग रेंज में 50% इंक्रीज को आराम से हैंडल कर पाएं। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए पोजीशन साइज को डिसाइड करें। रूल नंबर 39, आपका स्टॉप लॉस रेंज के नॉइज से बाहर हो ताकि जब भी आप रॉन्ग हो तभी मार्केट से बाहर हो जाएं। अपने स्टॉप लॉस को ऐसे प्राइस लेवल पर सेट करें जहां स्टॉप लॉस हिट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो।